नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जोहार। इस वक्त हम भवनाथपुर विधानसभा में भवनाथपुर चौक पर हैं और मौसम का मिजाज बदल गया है। लेकिन क्या जनता का मिजाज बदला है? क्या वो बीडी राम के अलावा दूसरा कोई उम्मीदवार को पसंद कर रहा है? यही जानने आए हैं। चाय पे चर्चा आप लोग देख रहे होंगे तो हमने भी यहाँ पे चाय पे चर्चा लगा रखा है और यहाँ के प्रबुद्ध लोग भवनाथपुर के मेरे साथ हैं इस वक्त। पहले शुरुआत आप ही से हम करते हैं। अब की जनता मूड है कुछ बदलाव का? उस तरह का तो दिखाई दे नहीं रहा है। प्रत्याशी कौन होता है सामने, कितना दमदार प्रत्याशी आता है, इन सब चीज़ों को देखने के बाद ही उस पर किया जाएगा। अभी तत्काल तो उस तरह का कुछ दिख नहीं रहा है। मान के चलिए कि ममता भुइयां उम्मीदवार होंगे तब बहुत प्रभावकारी और बहुत असरदार नहीं माना जा सकता है। वो तो भाजपा में थी, अभी भाजपा से आरजेडी गई है। क्षेत्र में बहुत सक्रिय उनको कभी नहीं देखा गया है। अच्छा। पोस्टरों में, प्रचार होर्डिंग्स में उनकी उपस्थिति रही है, लेकिन अगर हम निरपेक्ष होकर के देखें तो क्षेत्र में सोशल वर्क जो होना चाहिए या जो फील्ड में एक स्ट्रगल होना चाहिए वह नहीं हुआ है। भानु जी स्ट्रगल करते हैं हो यहाँ? हाँ, खूब बढ़िया। छोटे राजा कह रहे आपकी जमीन में गाड़ेंगे 6 फीट नीचे, उनको बोले विधानसभा में भी या लोकसभा में तो कम से कम 50,000 से लीड दिलवाएंगे जे मैम को। ये तो ऐसा नहीं सुना कि कोई विधायक बोलता किसी को जमीन में गाड़ेंगे। अभी तो व्यक्तिगत लड़ाई की बात होती, इसमें तो हम लोग कुछ नहीं मतलब राजनीतिक लड़ाई में वो कनो झगड़ा मारा पीटी करेंगे जो अभी सोचना पॉसिबल नहीं है। नहीं। आप लोग के क्या लग रहा है, इस बार हवा बाजार बदलेगा? नहीं, हवा बदलेगा नहीं, हवा साफ है। एक तरफ भवनाथपुर से 2 लाख पार, और हमको तो लगता है कि बीडी राम जी तीसरी बार जी चढ़वा में। लेकिन कुछ लोग विरोध किया, भाजपा का मंडल अध्यक्ष लोग लिख के दे दिया प्रदेश अध्यक्ष को कि बीडी राम नहीं चलता। विश्व की सबसे पार्टी, बड़ी पार्टी है भाजपा, और जब जहां परिवार बढ़ेगा स्वाभाविक रूप से थोड़े मोड़े मनभेद होंगे, लेकिन मतलब कार्यकर्ता नाराज है, जनता नहीं। कार्यकर्ता भी नाराज नहीं है, थोड़ा बहुत मनमुटाव है उसको दूर कर लिया जाएगा। आपको क्या लग रहा है जी, जनता कुछ बदलाव करेगा इस बार? जनता प्रत्याशी के देखने के बाद बदलाव करेगा। हाँ। जो कौन प्रत्याशी आता है यहाँ पे उसके बाद, अभी तो बीडी राम के छोड़ के कोई दूसरा प्रत्याशी महागठबंधन से घोषित हुई भी नहीं किए तो। कि अगर ये सीट अगर कांग्रेस लड़े तब ज़्यादा मजबूत रहेगा या आरजेडी लड़े तब मजबूत होगा? यहाँ आरजेडी लड़े या कांग्रेस लड़े, यहाँ पे महागठबंधन में जेएमएम का ही कार्यकर्ता और जेएमएम का ही सीट है यहाँ पे। अच्छा। और न तो यहाँ संगठन मजबूत कांग्रेस को दिख रहा है न तो राजद को दिख रहा है। अगर यूपीए गठबंधन से अगर मजबूत अगर है कहीं भी संगठन तो है जेएमएम का। पर जेएमएम तो रेसे में नहीं है, पलामू में, कह रहा है कि या तो आरजेडी के मिलेगा कांग्रेस के मिलेगा, किसी को मिले महागठबंधन हमें तो जेएमएम के लोग लगेंगे। अच्छा, तो ममता भुइयां अगर मान के चलिए अभी उम्मीदवार हैं तो कैसा रहेंगे, दे पाएंगे बीडी राम को टक्कर? महागठबंधन सारे लोग लगेंगे तो जरूर देगी टक्कर, एकदम देगी टक्कर। आपको क्या लग रहा है, इस बार कोई मुद्दा है पब्लिक के लिए? कहे कि चंदा वाला भी मुद्दा उठ गया, सुप्रीम कोर्ट जो क्लियर हो गया, आप देखे होंगे चुनावी बॉन्ड वाला, उसके अलावा राहुल जी घूमते फिर रहे हैं कि भाई कितना ओबीसी कॉरपोरेट है देश में ये बताना चाहिए, 15 लाख रुपए का क्या हुआ ये बताना चाहिए, 2 करोड़ नौकरी का क्या हुआ ये बताना चाहिए, ये सब असर करेगा लोगों पे? लोग पर असर क्या होगा, लोग तो सीधा एक सूत्र में एक ही आवाज़ है मोदी। और राहुल जी को यहाँ तो लोग पप्पू कहता ही है और आम जनता में पप्पू के नाम से विख्यात हैं। राहुल अगर आप कहिएगा तो कम लोग जानेगा, और उनका फोटो दिखाईगा कौन है तो लोग बोलेगा पप्पू है। अब पप्पू कुछ भी बोलेगा तो उसमें क्या है? तो भाजपा वाला तो पप्पू के नाम खराब कर दिया, कितना आदमी अपन बाल बच्चा के नाम पप्पू रखता है, इसमें आप लोग पप्पू पप्पू क्या करने लगते हैं? नहीं नहीं नहीं, वो बात हम लोग कहाँ खराब किया, वो खुद लोग बोलते हैं, उनके लोग पप्पू बोलते हैं,
अरे पहले बीजेपी का ही ना नेता शुरू किया। ना 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 वो कांग्रेस के लोग पप्पू कहा उनको, हम लोग पहला कहे थे सिद्धू जी। सिद्धू जी उस समय कहाँ थे, बीजेपी में थे। अभी सिद्धू जी कहाँ है, अभी सिद्धू जी कहाँ है। तो अब वो कहना बंद ना कर दिए हैं आप लोग, शुरू है अभी तक। बात है कि अब मतलब चाय दुकान यहाँ खुला है, हम पीना बंद कर दिया और लोग तो पिएगा ना। कोई असर पड़ेगा आपको लग रहा है इस बार? नहीं, हमें तो नहीं दिख रहा है ऐसा। केंद्र में बदलाव नहीं हो सकता है, नहीं ना। और राज्य का चुनाव होगा तो पब्लिक का दिमाग सेंटीमेंट कुछ राज का चुनाव और नेशन का चुनाव दोनों में फर्क हमेशा देखा जाता है। वह अक्टूबर नवंबर में चुनाव होने वाला है राज का, उसमें हो सकता है। लेकिन अभी तो हवा है मोदी जी का। कोई कह रहा है कि भाई राजेश ठाकुर हैं प्रदेश अध्यक्ष कांग्रेस के, वो कह रहे हैं हम देर आएंगे लेकिन दुरुस्त आएंगे, मैदान बाजी मार ले जाएंगे। सुखदेव भगत कह रहे हैं कि हम लोग का सर्वे में कम से कम 7 सीट है जीत का। तो हम जानना चाह रहे हैं कि 19 से 24 में कोई फर्क जनता महसूस कर रहा है या जनता कुछ बदलाव के मूड में है? देखिए, सबसे बड़ी बात है कि आज के डेट में मोदी जी ने एक कोर वोटर अलग से बना रखा है महिलाओं को। महिलाओं के बीच में आज जो छवि बन गई है वह रॉबिन हुड की छवि है। इसलिए बहुत कुछ हम चौराहे पर बैठ करके बात करेंगे कि बदलाव होगा तो नहीं होगा। जो देहरी के अंदर रह रही हैं उनके मन मिजाज में जो बसा हुआ है वह काफ़ी प्रभावकारी साबित होगा। मतलब महिला वोटर ही निर्णायक है आप कह रहे पूरे भारत? जी, महिला वोटर। और आपको बता दे रहे हैं पिछले जो राज्यों में चुनाव हुए, छत्तीसगढ़ का जो चुनाव परिणाम है, तमाम राजनीतिक पंडित इस बात को बता रहे थे कि छत्तीसगढ़ में कांग्रेस बैक करने जा रही है, लेकिन वहाँ परिणाम जो आशा था उसके बिल्कुल विपरीत हुआ। भारतीय जनता पार्टी को भी शायद इसका अनुमान नहीं होगा कि वह वहाँ बैक कर रहे हैं, लेकिन बैक हुआ। और उनके पीछे अगर आप जा करके जब अध्ययन करेंगे तो एकमात्र महिला फैक्टर था, महिलाओं ने वहाँ पर सत्ता का तख्ता पलट कर दिया। और आज महिलाओं को जो डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र हो रहा है उसका सबसे बड़ा लाभ बीजेपी को मिलेगा। और बीजेपी जो 4 चीज़ों पर काम कर रही है वो आप भी जान रहे हैं, राम, काम, दाम और तमाम। इन 4 चीज़ों पर काम कर रही है और इन 4 चीज़ों का लाभ उसे मिलेगा। राम और काम तो समझ में आया, दाम और तमाम नहीं समझ में। DBT डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र, दाम हुआ और तमाम आप देख ही रहे हैं। आज JMPC किया है गढ़वा में और कहा कि कल्पना जी की आंसुओं में बह जाएगा बीजेपी। EVM का हर एक एक आंसू का बूंद लाखों वोट के तौर पे गिरेगा, ऐसा लग रहा है परिवर्तन? हमें तो किसी भी तरह का कोई परिवर्तन दिखाई नहीं दे रहा है। और मान लीजिए अलग अलग पार्टी के अलग अलग अपने राजनीतिक अनुभव होते हैं और वो अपने अनुभव के आधार पर कर रहे हैं, लेकिन हमको लगता है कि 19 से बेहतर 24 में परिणाम आएगा और मोदी जी का जो लक्ष्य है 400 पार वह सफलीभूत होता दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो आप यहाँ भवनाथपुर में सुन रहे थे लोगों को। यहाँ के लोग ये मानते हैं कि बहुत ज़्यादा परिवर्तन के मूड में तो नहीं है जनता, इनफैक्ट कह रहे हैं कि 19 से बेहतर हो सकता है रिजल्ट उनके पक्ष में। लेकिन जनता के दिल में क्या है वो EVM जब खुलेगा तभी पता लगेगा। हालांकि BD राम आश्वस्त हैं, वो दावा कर रहे हैं कि तीसरी जीत पक्की हो गई है। शुक्रिया। TheFollowUp.in. Like, share, and subscribe. www.thefollowup.in.